दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फाइनली जिस घड़ी का इंतज़ार था आप लोग को वो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यामा की रे जेड आर फाइनली लॉन्च हो चुकी है। क्योंकि जब फसिनो लॉन्च हुई थी उस टाइम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे थे कि भाई ये गाड़ी कब आएगी, क्योंकि ज़्यादा पसंद लोगों को ये है रेदर फसिनो। फसिना बेसिकली फीमेल ओरिएंटेड मेरे को ज़्यादा लगता है। हालांकि रे जेड आर आपको मेल प्लस फीमेल ओरिएंटेड बहुत सही लगती है। हालांकि ये लॉन्च हो चुकी है, आपको अगर परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं। इसके सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल पर नया हो तो आप लोगों को पता है ना करना क्या है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके साथ जो बेल आइकन उसको भी दबा देना, नहीं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो से वंचित रह जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन आपको यस काफ़ी फ्रेश लुक के साथ आपको देखने मिलता है। पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको LED हेडलाइट दिया गया है, जो पिछले वेरिएंट से इस वेरिएंट में आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। व्हील्स भी इसके बड़े हो चुके हैं एंड न्यू ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है एंड अर्गोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। बात करें अगर इसके प्राइसिंग की कि किस प्राइस पॉइंट में यामाहा रे जेड आर 125 लॉन्च हुई है, यस इसमें तीन वेरिएंट आते हैं। तीनों वेरिएंट की मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ये एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं है। उसके लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम जाके पता कर सकते हैं। सबसे पहला वेरिएंट आता है रे जेड आर 125 फ्यूल इंजेक्टेड हाइब्रिड ड्रम वेरिएंट, इसका प्राइस है 76,830 रुपीस। दूसरा जो वेरिएंट है रे जेड आर 125 फ्यूल इंजेक्टेड हाइब्रिड डिस्क ब्रेक, उसका प्राइस है 79,830। और अगर आप लेते हैं स्ट्रीट रैली वाला एडिशन जिसमें थोड़े जो एसेसरीज है वो ज़्यादा लगती है, तो 125 फ्यूल इंजेक्शन हाइब्रिड डिस्क वाले की बात करें तो 83,830 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा फॉर यामाहा रे जेड आर। तीनों वेरिएंट के मैंने प्राइस बता दिए, एक शोरूम प्राइस है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग है क्योंकि इट्स अ हाइब्रिड इंजन। एंड हाइब्रिड इंजन के अगर मैं इंजन कैपेसिटी की बात करूँ तो 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, जो कि प्रोड्यूस करता है 8 BHP का पावर आउटपुट एट द रेट 6,500 RPM एंड पीक टॉर्क निकलता है 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट द रेट 5,000 RPM। यहाँ पे आपको दोनों ही स्कूटर की कैब वेट मिलती है 99 kg और यहाँ पे आपको मिलता है CVT ट्रांसमिशन। हालांकि अगर मैं स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करूँ न्यू रे जेड आर 125 फ्यूल इंजेक्शन की और बोले तो रैली एडिशन की, तो दोनों में ही आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है और जिसमें लगा हुआ है मोटर, स्मार्ट मोटर जनरेटर जिसको बोलते हैं SMG। ये एक एडिशनल फंक्शन भी बोल सकते हो इसमें हाइब्रिड सिस्टम का। एंड ये वर्क कैसा करता है, एज अ इलेक्ट्रिक मोटर की तरह भी वर्क करता है। लाइक अगर इनिशियल में गाड़ी खड़ी है और आपको पिकअप चाहिए और अच्छा पिकअप चाहिए, और तो उसमें एक्स्ट्रा आपको पावर पुट ऑफ करता है आपके रियर व्हील में है थ्रू द स्टार्ट मोटर जनरेटर। तो इससे क्या होता है, इनिशियल पिकअप आपको अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको मिलता है साइलेंट इंजन स्टार्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप सिस्टम एंड साइड स्टैंड कट ऑफ फंक्शन भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है, जो कि आपने फसिनो में भी देखा है। सेम फीचर है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हालांकि गाड़ी देखने में बहुत अच्छी है। डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट की बात करें रे जेड आर 125 फ्यूल इंजेक्शन हाइब्रिड की तो, और स्ट्रीट रैली 125 फ्यूल इंजेक्शन हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको LED हेडलाइट मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, 190 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम और जिसको बोलते हैं कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वो मिलता है। साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया गया है, जो कि कनेक्ट होता है कनेक्ट एक्स ऐप से, जो कि यामा का खुद का ऐप है। ब्लूटूथ से आपके बहुत सारे फंक्शन दिखने को मिल जाते हैं, एंसर बैक, लोकेट माई व्हीकल, राइडिंग हिस्ट्री, पार्किंग रिकॉर्ड एंड हजार्ड। तो ये चीज़ सिर्फ दो वेरिएंट में है, बाकी जो बेस वेरिएंट है उसमें हेलोजन हेडलाइट है और नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ब्लूटूथ नहीं है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये गाड़ी बहुत सही लगती है। अगर आप स्ट्रीट रैली वाला लेते हैं तो उसमें आपको मेटल प्लेट्स मिलता है, कलर्ड व्हील स्ट्रिप मिलती है, ब्रश गार्ड मिलता है एंड ब्लॉक पैटर्न टायर मिलता है। तो बस इतना ऐड ऑन दिया गया है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है 83,830 रुपीज़। तो आप लोग का क्या राय है इस गाड़ी के ऊपर? मेरे हिसाब से अगर आप गाड़ी परचेस करने का सोच रहे हैं तो प्राइस सही है, बेस वेरिएंट ले सकते हैं। इसके ऊपर वाला वेरिएंट थोड़ा प्राइस मेरे को ज़्यादा लगा, आप लोग का क्या कहना बता सकते हैं। अगर आपको स्मूथ गाड़ी चाहिए तो यस यामा की ये गाड़ी बहुत सही है, आप लेने लायक है और अभी ले लो क्योंकि प्राइस अभी और बढ़ने वाले हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर परचेस करना है तो पहले ही परचेस कर लेना, लेट
नहीं करना। आशा करता हूँ आपको वीडियो और ये न्यूज़ अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।